पांच ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे आप अपना कमर दर्द भूल जाएंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज फॉर योर लोअर बैक। लोअर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम पांच ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे आज, जिससे आपकी कमर की दर्द दूर होगी। और ये मैजिकल एक्सरसाइजेज हैं, आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। आप ये घर पे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम ऐसे झुकें, नीचे झुकें, आप ऐसे झुक कर वापस जब सीधे आए तो इतने पे अटक जाते हैं, तो कमर में बहुत दर्द फील होता है। और थोड़ी देर बाद आपकी मूवमेंट वगैरह चलती है, आप उठते हैं, फिरते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो वो कमर दर्द दूर हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ये पांच एक्सरसाइजेस। दूसरी, जो लोग जब बैठकर उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनकी कमर इस तरह झुकी रहती है, और फिर उनको चलने में चलते चलते फिर उसके बाद उनकी कमर थोड़ी सीधी होती है, उन लोगों के लिए एक्सरसाइजेस। ये आईटी जॉब करने वाले हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या जिनकी ज़्यादातर सिटिंग जॉब है, बैठ के काम करना है, नीचे ज़मीन पर बैठा नहीं जा रहा है, या जिसका डिस्क बल्ज या जिनको हर्निएटेड डिस्क था वो अब बेटर हो गया है, पर स्टिल ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि उठने बैठने में दर्द आता है, उनके लिए क्या एक्सरसाइजेज हैं वो आज हम बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे आपने बेड पर लेट जाना है। आप यहाँ पर लेटेंगे, हाफ ऑफ द बेड पर लेटेंगे, आप थोड़ा नीचे आएंगे, इस तरह बेड पे लेटेंगे आप, और आपके पैर ऐसे नीचे रहने चाहिए। पहले क्या करेंगे, दोनों पैरों को ऐसे लटकाएंगे, एक लात को उठाएंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, आप खींचना है ये वाला पैर। कईयों को क्या होगा कि ये तो लीन है, ये मेरा पेशेंट जो है ये लीन है, ये पतले हैं तो ये इजी कर पा रहे हैं, जो हैवी बॉडीज़ हैं। नॉर्मली हम लोग इंडियंस जो हैं, हम लोग जो हैं ज़्यादातर थोड़ी हैवी बॉडी वाले होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, मेरे से हैवी भी होते हैं, है ना। उन लोगों के लिए क्या होता है कि जब हम ये वाला स्ट्रेच करते हैं, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना, तो साथ में ये लात भी उठती है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने साथ एक किसी को असिस्ट करने के लिए, अपने हेल्प के लिए रखेंगे, जो आपकी ये वाली लेग को थोड़ा प्रेस करके रखेगा, और ये आपने इसको ऐसे स्ट्रेच करना है। इसको स्ट्रेच करने पे आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा और लोअर बैक पे फील होगा। सर आपको कहाँ कहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है, इसी एरिया में स्ट्रेच फील होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये स्ट्रेच करते हुए आपको इधर या यहाँ पेन आ रही है तो आप ये स्ट्रेच नहीं करोगे, ठीक है। ये बोथ लेग्स के लिए स्ट्रेच है, मैं दोबारा बता रही हूँ। इसको इस तरह होल्ड करेंगे, इस तरह होल्ड करके अपने तरफ खींचेंगे, ठीक है, और ये लात उठनी नहीं चाहिए, इस पर प्रेशर डाल के रखेंगे, ठीक है। इसमें ये स्ट्रेच आएगा और यहाँ पे भी स्ट्रेच फील हो सकता है, ठीक है। ये स्ट्रेच करेंगे 15 सेकंड होल्ड करके, 3 सेट करेंगे इसके, ठीक है। पहली एक्सरसाइज ये होगी। अब आप सर थोड़ा पीछे मूव हो जाओ आराम से, बस, थैंक यू। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, इनको दोनों को ऐसे अपनी तरफ और होल्ड करो और अपनी तरफ प्रेशर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके लोअर बैक में जो एक कंप्रेशन आया हुआ है, टाइटनेस आई हुई है, आप यहाँ से दिखाओगे, इस एरिया में लोअर बैक में, यहाँ पीछे की तरफ इस एरिया में, यहाँ पे मेरे आप देख सकते हो, इस एरिया में जो एक टाइटनेस और कंप्रेशन फील हो रहा है, वो बेटर करने के लिए, उसको इलास्टिसिटी दिलवाने के लिए हम ये वाला स्ट्रेच करेंगे। इसको भी 15 सेकंड होल्ड करना है, आप 10 सेकंड भी कर सकते हो इनिशियली। जैसे कोई बड़ी एज का है तो वो 5 सेकंड भी होल्ड करेगा, धीरे धीरे कभी 10 कर लिया, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती जाएगी आप ये एक्सरसाइज वैसे वैसे बढ़ाते जाना। पर 15 सेकंड होल्ड, 3 सेट, 2 भी कर सकते हो, पर 3 मेरी तरफ से आप 3 करो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप 2 भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें दोनों पैरों को ऐसे करेंगे, इस लेवल पे आप अपनी कमर उठाओ, गर्दन नहीं, कमर, हाँ गर्दन नीचे रहेगी, थोड़ा और उठाओ, इसको इस तरह होल्ड रखना है अपनी बॉडी को, ये मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसमें आपके ग्लूट स्ट्रेंथ होंगे और लोअर बैक पे भी प्रेशर पड़ेगा और आपका कोर भी स्ट्रेंथन होगा, ये इसी लेवल पे होना चाहिए। थोड़ा इसको नीचे करो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़ा और नीचे करो, इस तरह उठाते हैं, इस तरह उठाना ठीक नहीं है, इस तरह नहीं उठाना, इसको ऊपर करेंगे आप और ऊपर, ये इस तरह होना चाहिए कि ये लेवल जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे। इसको 5 सेकंड होल्ड करके आप नीचे जाएंगे, फिर से आप ऊपर उठो और होल्ड, 1 2 3 4
फाइव, रिलैक्स, 5 सेकेंड होल्ड करके 10 बार करना है इसको। इसके बाद आप स्ट्रेच क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, ये भी आपको बोथ साइड करना है, दोनों तरफ से करना है। इसमें आप ये वाली आर्म से इसको पुल करेंगे, लेके आए, लेके आए, बिल्कुल, और आप इसको स्ट्रेच करो। इससे स्ट्रेच आपको कहाँ फील हो रहा है, ग्लूट्स में और लोअर बैक में, यहाँ पे, इनको यहाँ पे और लोअर बैक में फील होगा। इसमें लोग क्वेश्चन क्या करते हैं कि हमारी ये वाली लेग भी साथ में जाएगी, यस, इसको भी साथ में आपको स्लांट करना पड़ेगा, इसको भी साइड पे ऐसे टर्न करना पड़ेगा। ये लोअर बैक के लिए स्ट्रेच है, जिस साइड, वो जो आप नीचे झुक के फिर थोड़ी देर बाद उठते हैं तो थोड़ी देर बाद सीधी होती है ना, उसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपका यहाँ पे भी स्ट्रेच फील होगा और यहाँ पे भी होगा। इसको भी 15 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है। इसके बाद हमने कोर स्ट्रेंथन करना है, अपना इसको स्ट्रेंथन करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप हिप के नीचे हाथ रखें अपने दोनों ऐसे, ठीक है, ऐसे हाथ रख के इसमें पहले आप एक लात अपनी ऐसे ऊपर उठाएंगे, अब दूसरी उठाएं, ठीक है, इसको इस एंगल पे, ये पूरा 90 पे नहीं आएगा, लेस देन 90 पे आएगा, ठीक है, और हल्का सा ऊपर उठाएंगे। इससे आपके बैक पे प्रेशर तो नहीं आ रहा। ऐसे ही आपको ये 15 सेकंड होल्ड करके या 10 सेकंड होल्ड करके 5 सेट करने हैं। इससे क्या होगा कि आपका कोर स्ट्रेंथन होगा और जो लोअर बैक पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम होता जाएगा, ठीक है। आप ये एक्सरसाइज भी घर पे कर सकते हो, इसको भी 15 सेकंड होल्ड और 5 बार, दिन में 1 बार करना है। अगर इन सब एक्सरसाइज करते हुए, नीचे कर सकते हो आप, ये एक्सरसाइज करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी देर बाद थोड़ी एक एक्सरसाइज पेन होती है, दैट इज़ ओके, वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमने एक्सरसाइज की है तो वो एक स्ट्रेच पेन है ड्यूरिंग द स्ट्रेच, उसके बाद हम रिलैक्स हैं। अगर एक्सरसाइज करते हुए थोड़ी सी दर्द है तो इट्स ओके, अगर वो दर्द प्रोलॉन्ग कर रही है 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा तक आपके दर्द रह रही है, तो आप समझो कि ये एक्सरसाइज इज़ नॉट फॉर यू, आप लोगों के लिए वो एक्सरसाइज नहीं है, आपने वो एक्सरसाइज रिपीट नहीं करनी है। पर जिस तरह से मैं वो बता रही हूँ आपको एक्सरसाइज करने के लिए, उसी तरह आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको उसमें लेवल ऑफ स्ट्रेंथ के लिए आप ये नहीं कर सकते कि मैम ने बोला है 5 तो मैं 10 कर लूँगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए। इसके अलावा अगर आप स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इशू है, सर्वाइकल, शोल्डर पेन, नमनेस इन लेग्स, शैटिगा पेन, डिस्क बल्ज, कोई भी प्रॉब्लम स्पाइन से रिलेटेड आपको है, आप उसके लिए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको करनाल प्लस से बात करनी पड़ेगी। करनाल प्लस पे आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ये वाला नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप करोगे, इनके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैम डॉक्टर कौर, आपने मेरे से, मेरा क्लिनिक दिल्ली में है और सुभाष नगर में।